नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दुनिया के बहुचर्चित पनामा पेपर्स मामले में बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के दिल्ली के लोकनायक भवन में ईडी के सामने पेश होंगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने सवालों की लिस्ट पहले से ही तैयार कर ली है। दरअसल पनामा पेपर्स मामले में भारत के करीब 500 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई थी। इनमें नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, हर वर्ग के प्रमुख लोगों के नाम हैं। इन लोगों पर टैक्स की हेराफेरी का आरोप लगा है, जिसको लेकर टैक्स अथॉरिटी जांच में जुटी है। आपको बता दें, पनामा पेपर्स मामले की लंबे समय से जांच चल रही है। ईडी के अधिकारी देश की कई बड़ी हस्तियों को जांच में शामिल कर चुके हैं। इसी कड़ी में एक महीने पहले अभिषेक बच्चन भी ईडी कार्यालय में पहुंचे थे। वे कुछ दस्तावेज भी ईडी अधिकारियों को सौंप चुके हैं। ईडी सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में उनके पिता अमिताभ बच्चन को भी ईडी नोटिस देकर बुलाने वाली है। साल 2016 में ब्रिटेन में पनामा की लॉ फर्म के 1.15 करोड़ टैक्स डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे। इसमें दुनिया भर के बड़े नेताओं, कारोबारियों और बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए थे। भारत की बात करें तो करीब 500 लोगों के नाम सामने आए थे। इसमें बच्चन परिवार का नाम भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन को 4 कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया था। इनमें से 3 बहामास में थी, जबकि 1 वर्जिन आइलैंड्स में थी। इन्हें 1993 में बनाया गया। इन कंपनियों की कैपिटल 5000 से 50000 डॉलर के बीच थी, लेकिन ये कंपनियां उन सिप्स का कारोबार कर रही थी। ऐश्वर्या को पहले एक कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था, बाद में उन्हें कंपनी का शेयर होल्डर डिक्लेयर कर दिया गया। कंपनी का नाम अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड था। इसका हेडक्वार्टर वर्जिन आइलैंड्स में था। ऐश्वर्या के अलावा पिता के राय, माँ वृंदा राय और भाई आदित्य राय भी कंपनी में उनके पार्टनर थे। यह कंपनी 2005 में बनाई गई। 3 साल बाद यानी 2008 में कंपनी बंद हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।